So dear student, now we are going to discuss last quantum number, that is spin quantum number. Clear? See, when electrons revolve around the nucleus, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूमता, लेट अस सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से घूमता है, तो दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ठीक है, जैसे सन के सूरज के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ आपका अर्थ ना, इन ज्योग्राफी भी हम स्टडी अर्थ इस तरह से घूमता है. ठीक है, तो ठीक उसी समय when the electron revolve around the nucleus, at the same time it also spin about its own axis. ये ऐसे rotate होते हुए घूमता है इस तरह से. ठीक है, ये इस तरह से rotate होते हुए इसके चारों तरफ घूमता है, जैसे अर्थ. ठीक है, अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमता है, तो वो घूमने के अलावा अपने एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है. ठीक है, इस तरह से रोटेट करते हुए घूमता है, और इस रोटेशन के चलते दिन और रात होता है. जबकि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब एक चक्कर को लगा लेता है, कितना होता है, साल होता है 365 ईयर्स. इन द सेम वे, प्लीज पे अटेंशन, इन द सेम वे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एट दैट टाइम इट आल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. वो अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट भी करता चलता है, रोटेशन होता है. क्लियर? अब ये रोटेशन आपका या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ये रोटेशन, ऐसा या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर? तो जैसा कि हमने पहले ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्बिटल्स में कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, दो, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है. ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर, सीधा एरो, ये इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन उसका एक्सिस ही है. ठीक है, जैसे ग्लोब में रहता है, तो ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो उसी ऑर्बिटल में उपस्थित दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा, वो इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट इट्स एक्सिस. आई समझ में? तो इस तरह से इस रोटेशन को, इस रोटेशन को, इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया. तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, नाउ इट मे हैव ओनली टू वैल्यू, चूंकि ये रोटेशन या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर का दो ही पॉसिबल वैल्यू है. एक है आपका प्लस हाफ, प्लस हाफ रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज रोटेशन को, प्लस वन बाई टू, प्लस वन एस का वैल्यू, स्पिन को, स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट किया जाता है. और अगर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस हाफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, न्यूक्लियस की चारों तरफ जब ये घूमेगा रोटेट भी करेगा. एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित दूसरा इलेक्ट्रॉन उस वक्त आपका, उसका वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू माइनस हाफ होगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यू, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. प्लस हाफ, वेयर इज प्लस हाफ रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस अराउंड द न्यूक्लियस. क्लियर? सी, सो स्पिन क्वांटम नंबर एस, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर केवल घूमता ही नहीं है, बल्कि अबाउट इट्स ऑन, बट ऑल्सो स्पिन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. इलेक्ट्रॉन इसके चारों घूमता ही नहीं, बल्कि ये घूमने के दौरान अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट भी होता रहता है. ठीक है, तो ये रोटेट भी करता है, रोटेशन और स्पिन, ये स्पिन करता है. द स्पिन में भी, अब ये स्पिन का डायरेक्शन हो सकता है मे बी आइदर इन क्लॉकवाइज, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर उसका क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए इसके चारों तरफ घूम रहा, देन सी स्पिन, द स्पिन मे बी आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर एस का वैल्यू प्लस हाफ होगा, वन बाई टू, और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो एस का वैल्यू होगा माइनस वन बाई टू, दिस इज माइनस वन बाई टू.
ठीक है, तो इस तरह से वी कैन से हेंस स्पिन क्वांटम नंबर मे हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. प्लस हाफ वेयर इज प्लस हाफ रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो दिस वॉज स्पिन क्वांटम नंबर एंड इट्स पॉसिबल वैल्यू.